बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ उसामा अली चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान फार्मिंग। माशाल्लाह से जी आज सातवां दिन है और आज हम जो है ना वो वैक्सीन करने जा रहे हैं NDIB की। तो आप देख रहे हैं कि आपके सामने सारे चूज़े चुस्त माशाल्लाह से जी खुशबाश इंतज़ार कर रहे हैं पानी का, क्योंकि 2 घंटे हो गए मुझे पानी उठाए हुए। और दाने की प्लेटें मैंने साइड पर रख दी थी सारी इकट्ठी करके, अभी रखी हैं ठीक है, ताकि जो इनका फोकस जो है वो पानी के ऊपर हो, ताकि वैक्सीन की पानी जल्द से जल्द पी सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पी सकें। ठीक है, बारिश हो रही थी अभी तो अभी रुकी है, तो माशाल्लाह से टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 32 है अंदर का, बाहर का तकरीबन 26 हो गया था। तो क्योंकि साथ साथ मैं इसको बड़ी केयरली जो है ना वो चेक करता रहा हूँ, मैं आपको टेम्परेचर भी बता देता हूँ, दिखा भी देता हूँ, ये देखिएगा 31 इस टाइम चल रहा है। ठीक है जी, तो माशाल्लाह से टेम्परेचर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। हीटर भी लगाया हुआ था, अभी बंद कर दिया मैंने। ठीक है, तो बाकी मैं आपको वैक्सीन की तरफ लेके चलता हूँ जी। नाज़रीन ये दोस्तों, मैं आपको सामने जो है वो वैक्सीन जो है वो खोले लगाऊं NDIB की, आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, तो ये बर्फ़ के अंदर रखी हुई थी, फ्रिज के अंदर रखी हुई थी, और अभी जो है वो इसको मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने। बग़ैर बर्फ़ के इसको आपने रखना नहीं है। ये जी आपको नज़र आ रही है, NDIB 100 डोज है। ठीक है जी, और ये वैक्सीन है और ये इम्पोर्टेड है जी। ठीक है, और अभी हम इसको जो है ना वो तकरीबन मैं 10 से 12 लीटर पानी के अंदर जो है वो हम इसको डालेंगे। ठीक है, इसका इस्तेमाल करना जो है ना वो बड़ी केयर से जो है इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। इसको हम थोड़े से पानी में जो है ये डाल लेंगे, मैं अपना पानी थोड़ा सा निकाल लेंगे हम डब्बे में, और हम इसको जो है ना आपने ये कोशिश करनी कि ये जो इसकी सील है ये आपने पानी के अंदर रख के खोलनी है। ठीक है जी, तो जिस तरह मैं अभी इसको खोलने लगाऊँ, ले जी ये सील मैंने खोल दी है। ठीक है, अब जो है ना इसके अंदर जो है ना हम इसको खोल रहे हैं, अच्छी तरह हिला रहे हैं ताकि जो है ना ये अच्छी तरह घुल जाए छोटी सी। आपके सामने भी दे जी ये खाली हो गई है। ठीक है, और इसमें ये अच्छी तरह मिक्स हो रही है। ठीक है, और इस चीज़ को जो है ना आपने अपने पास नहीं रखना, यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह शॉपर में डाल के इसको बहुत दूर फेंक देना है। ठीक है, और जो पानी इसका बचेगा वो भी दूर फेंकना है, क्योंकि ये बाद में जहर बन जाता है। इसको 1.5-2 घंटे जो है ना हम चूज़ों के सामने रखेंगे, ताकि जो है ना ये आसानी से जो है ना वो चूज़े पी लें। ये हो गया जी, हमारा पानी पूरा मिक्स हो गया, अब हम जो है ना चूज़ों के सामने जो है ना इनको डाल देते हैं। ठीक है जी, वे गाइस जो है वो हम लोगों ने पानी रखना शुरू कर दिया है, तो आपके सामने देखें चूज़े कितने प्यासे हैं। और सेम इसी तरह जो है ना वो हर वैक्सीन पे आप करें, ताकि जो है ना हर चूज़ा जो है ना वो तसल्ली से जो है ना पानी पी लें। ले गाइस देखें माशाल्लाह से किस तरह जो है वो चुस्त होके जो है ना पानी पी रहे हैं। ठीक है, तसल्ली से इस तरह से अच्छे तरीके से पानी पिलाएं, ताकि कोई ऐसा चूज़ा रह ना जाए जिससे जो है ना वो आपको किसी किस्म का कोई खदशा ना रहे कि यार कोई ऐसा चूज़ा जो रह ना गया हो। लेकिन माशाल्लाह से जी है, इनको साथ साथ हिलाते भी रहिएगा। ठीक है, ताकि जो है ना वो अगले चूज़ों की बारी आती रहे। ठीक है, जिस तरह से अभी मैं जो है ना वो हल्का हल्का इनको जो है ना वो हिलाऊंगा, ताकि जो है ना वो अगले सारे चूज़े जो है ना आगे पीछे होते जाएँ और हर चूज़ा जो है ना पानी पीता रहे। ठीक है जी, तो ले जी इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी।
तो मेरी वीडियोस को देखते रहिएगा। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।